ये हमें क्या दिखाया जा रहा है सी हल्क एपिसोड 9 में? हमें ये हल्क दिखाया गया है, आपको लगता है किसी भी एंगल से ये हल्क हल्क को इतना छोटा दिखाया है कि वह एबोमिनेशन के सामने उसके कंधे तक ही नहीं आ रहा है? क्या हल्क उसके कंधे से भी छोटा है? जबकि एवेंजर्स मूवी में तो हमें ये हल्क बहुत बड़ा दिखाई देता है। चलो मान लेते हैं कि ये हल्क नहीं स्मार्ट हल्क है, इसलिए इसको छोटा दिखाया जा रहा है। भाई हल्क हो या स्मार्ट हल्क, उसे इतना छोटा तो नहीं दिखाते, ज्यादा बड़ा नहीं तो एबोमिनेशन के बराबर तो दिखाना चाहिए था। तो यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हमें वर्ल्ड वार हल्क में ये टिंगू हल्क देखने को मिलेगा? अगर ऐसा ही रहा तो फैंस को ये मूवी ज्यादा पसंद नहीं आएगी। लेकिन वर्ल्ड वार हल्क के ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये टिंगू हल्क नहीं, हमें बड़ा हल्क ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर वॉल्टर और डेड डेविल इसके अलावा कुछ और लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी हल्क अपने बच्चे सकार को लेकर अर्थ पर आता है और कहता है कि इतने दिनों तक मैं सकार प्लेनेट पर था, अपने बच्चे सकार को लेने गया था। और एमसीयू वालों ने हमें ये क्या दिखा दिया है, ये आपको सकार लग रहा है और ये देखने में हल्क से छोटा और 2 दिन का दूध पीता बच्चा लग रहा है? और नहीं तो क्या एमसीयू वालों ने इसको कितना छोटा सा दिखा दिया है, जबकि कॉमिक्स में तो हमें ये बहुत बड़ा देखने को मिलता है। और इसके लुक को देखे तो कितने लंबे लंबे बाल और कितना खूंखार दिखाई देता है। और एपिसोड 9 में तो हमें इसके छोटे छोटे बाल और बहुत मासूम सा दिखाई देता है। और यार ऐसा लगता है कि अभी अभी नाइक के पास से बाल कटवा के आया है। मुझे तो इस सकार से अच्छा कॉमिक्स वाला सकार ही बेटर लगता है। आपको कौन सा सकार अच्छा लगता है, एपिसोड वाला या फिर कॉमिक्स वाला? कमेंट में जरूर बताएं।